जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा बायोलॉजी पर। दोस्तों ये बायोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप लगे रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना प्यारा चैप्टर जिसका नाम है श्वसन तंत्र। तो दोस्तों श्वसन तंत्र की बात करते हैं, क्लियर है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑक्सीजन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन भोज पदार्थों का ऑक्सीकरण कर विघटन कर देता है। क्या करता है दोस्तों? भोज पदार्थों का ऑक्सीकरण कर विघटन कर देता है। कौन? ऑक्सीजन। और ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। तो भोज पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न पर करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? श्वसन कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं दोस्तों? श्वसन कहते हैं। सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से तीन भाग हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे पहले श्वसन की, क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, श्वसन को बात करते हैं तो वो जो तीन भागों में सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को जो तीन भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से हैं, आइए हम उसको जानते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला है बाह्य श्वसन। क्या है दोस्तों? बाह्य श्वसन, क्लियर है? तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्लियर है? और दूसरा होता है गैसों का शरीर में परिवहन। दूसरा क्या होता है? गैसों का शरीर में परिवहन, यही है ना? तो गैसों का शरीर में परिवहन ये दूसरा है। और तीसरा जो होता है दोस्तों कौन सा है? आंतरिक श्वसन, क्लियर है? क्या? आंतरिक श्वसन, क्लियर है? ये पॉइंट आप जानते रहे, क्लियर है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया कितने भागों में बांटा गया है? तीन। कौन कौन से? बाह्य श्वसन, गैसों का शरीर में परिवहन और दोस्तों आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन और गैसों का शरीर में परिवहन को बोलते हैं ट्रांसपोरेशन ऑफ गैस, क्लियर है? तो इस तरीके से इस पॉइंट को जानते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आप हम किसके? बाह्य श्वसन पर। आखिर बाह्य श्वसन क्या है, किस तरीके से है, इसको हम जानते हैं, क्लियर है? बाह्य श्वसन को हम बोल सकते हैं दोस्तों ऑक्सीजन का, क्या? ऑक्सीजन का हमारे शरीर में आना, क्लियर है? और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना, यही कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अर्थात बाह्य श्वसन। तो ऑक्सीजन क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकल जाना, तो यही कहलाता है क्या दोस्तों? साधारण भाषा में बाह्य श्वसन कहलाता है, क्लियर है? तो समझ गए? तो ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अर्थात बाह्य श्वसन कहलाता है, क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों? अब इसमें एक पॉइंट ये जानिए, जब हम सांस लेते हैं, क्या? जब हम सांस लेते हैं यानी सांस को अंदर लेते हैं यानी ऑक्सीजन को जब हम खींचते हैं अपने नाकों से, तो इसे हम बोलते हैं निःश्वसन, क्लियर है? क्या बोलते हैं? निःश्वसन। यानी जब हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो हम बोलते हैं निःश्वसन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं तो इसे हम बोलते हैं उच्छ्वास। तो ये पॉइंट को आप बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्लियर है? तो ऑक्सीजन जब शरीर में जाता है तो क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए? ये कहलाता है हमारा उच्छ्वास कहलाता है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों
आइए हम कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं कि जब हम मनुष्य यानी एक मनुष्य जो होता है या जब हम लोग सांस लेते हैं तो कितना परसेंट गैसें अंदर जाती हैं और कितना वापस आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे क्या, इसको मिटा देते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के श्वास लेते समय हेडिंग क्या है, मनुष्य के श्वास लेते समय, सांस या श्वास क्लियर है तो घबराइए नहीं। तो जब मनुष्य सांस लेता है तो नाइट्रोजन कितने परसेंट हमारे शरीर में जाता है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों, नाइट्रोजन कितने परसेंट जाता है? तो नाइट्रोजन दोस्तों कितना परसेंट है, 78% जाता है। क्लियर है? यानी जितना पृथ्वी पर नाइट्रोजन पाया जाता है उतना ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, उतने ही परसेंट की मात्रा पूरा नहीं जाता है, तो 78% जाता है 100% में से। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो दोस्तों, ऑक्सीजन कितना जाता है, जब हम ऑक्सीजन मतलब खींचते हैं यानी सांस को जब हम खींचते हैं अपने शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन कितना जाता है दोस्तों, तो सिर्फ जाता है दोस्तों 20% ही जा पाता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 20% हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है जब हम सांस लेते हैं, कितना, 0.03% जाता है ऑक्सीजन। क्लियर है? तो CO2 भी हमारे शरीर में जाता है, कितना, 0.03% जाता है। क्लियर है? इसके साथ साथ दोस्तों एक पॉइंट और भी जाता है, जलवाष्प। क्लियर है? तो जलवाष्प, क्लियर है, तो जलवाष्प भी हमारे शरीर में जाता है, वो कितना परसेंट जाता है, 0.05% जाता है, कितना, 0.05%। ये है कब, जब मनुष्य सांस लेता है तब नाइट्रोजन कितने परसेंट जाता है शरीर के अंदर, 78, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और उसके बाद दोस्तों जलवाष्प कितना जाता है, 0.05% जाता है। क्लियर है? आशा है कि आपको समझ में आ गया है दोस्तों। अब हम जानेंगे मनुष्य सांस लिया, सांस लेने के बाद क्या होता है, छोड़ता भी है, तो मनुष्य के श्वास छोड़ते समय, तो ये देखिए हेडिंग यहाँ पर क्या होगा, मनुष्य के श्वास छोड़ते समय, ये पॉइंट है छोड़ते समय। अब इसमें हम जानेंगे कि जब मनुष्य सांस छोड़ता है तो कितने परसेंट नाइट्रोजन जाता है शरीर के बाहर से, तो 78%, जितना गया उतना ही ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन जो है बाहर निकल जाता है शरीर से। क्लियर है? ऑक्सीजन की बात करते हैं दोस्तों, 16% ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ निकलते हैं। ऑक्सीजन कितना परसेंट निकलती है, 16% जो है ऑक्सीजन भी हमारे शरीर से निकल जाती है। क्लियर है? जब हम सांस लेकर छोड़ते हैं तब। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये 4% निकलता है, कितना दोस्तों, CO2 कितना, 4% ये निकल पाता, सोचो दोस्तों, लेकिन हम लोग उसको पूरा दे देते हैं संज्ञा कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है, सिर्फ 4% याद रखिएगा। और जलवाष्प जो है दोस्तों, अब जानते हैं शरीर में क्या है, वाटर है, पानी है। क्लियर है? इसी कारण क्या होता है, जलवाष्प क्या होता है दोस्तों, वाष्प। ये कितना परसेंट निकलता है दोस्तों, ये निकलता है 6.5%। क्लियर है? ये पॉइंट समझिए, तो जलवाष्प कितना परसेंट निकलता है, 6.5% निकलता है। अब दोस्तों दोनों में अंतर करना है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कितने परसेंट गई हमारे शरीर में, 78%। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जब हम सांस को छोड़ते हैं तब भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है, 78% ही निकल रहा है। इसका मतलब है नाइट्रोजन की जो गैस है हमारे शरीर में जितना जाती है उतना वापस भी आ जाती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब देखिए,
ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20% ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं, 20% खींचते हैं, शरीर से खींच लिए। और दोस्तों अब इसमें जब हम छोड़ते हैं तो 16% ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलता है, क्लियर है। CO2 की बात करते हैं तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं 0.03% CO2 भी यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में चला जाता है, तो छोड़ते हैं तो 4% ये हमारे शरीर से बाहर आता है, क्लियर है। जलवाष्प 0.05 था और शरीर से बाहर आई जब ऑक्सीजन, मतलब हम जब शरीर से यानी ऑक्सीजन को जब हम छोड़ते हैं तो क्या होता है 6.5% क्या होता है जलवाष्प भी हमारे शरीर से निकलता है। तो इस पॉइंट को दोस्तों बिल्कुल भी सेट कर लीजिए, ये हर एक पॉइंट आपके लिए क्या है ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है आपकी परीक्षाओं में। तो दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए बन रहा है कि श्वसन की क्रिया में वायु में ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस पॉइंट को गांठ बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा है कि श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को बिल्कुल भी गांठ बांध लीजिए। क्यों देख रहे हैं ये 78% कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों अब इसको मिटाते हैं, इस पॉइंट को बिल्कुल भी आप समझ गए हमें आशा है, क्लियर है। आइए अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, बात करेंगे हम गैसों का शरीर में परिवहन की बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या था दोस्तों, गैसों का शरीर में परिवहन, यही था ना परिवहन। और पहला क्या था बाह्य श्वसन, जो कि हमने अभी पढ़ ही लिया, क्लियर है। और तीसरा दोस्तों क्या था आंतरिक श्वसन, अभी हम लोग इसके भी बारे में जानेंगे। सब पहले हम जानेंगे किसके बारे में, गैसों का शरीर में परिवहन की बात करेंगे, क्लियर है। आइए गैसों के शरीर के परिवहन की बात करते हैं। ऑक्सीजन जानते ही हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़े तक वापस आने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं गैसों का शरीर में परिवहन, क्लियर है। यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़े से होकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है, वहाँ से फिर आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, इसी को हम बोलते हैं गैसों का शरीर में परिवहन बोलते हैं, क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा क्या है लंग्स है, क्या है लंग्स माने फेफड़ा है, क्लियर है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा जो ये ऑक्सीजन होता है, क्या ऑक्सीजन यानी O2 होता है, ये हमारे रक्त में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का खून लाल होता है, ये पॉइंट बिल्कुल जानते हैं। और रक्त दोस्तों किसकी वजह से नहीं जमता है, जमता है रक्त किसकी वजह से नहीं जमता है हेपेरिन की वजह से, इस पॉइंट को ध्यान दें। तो दोस्तों जब हम सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन को हम जब शरीर में खींचते हैं अपने, तो ध्यान दें दोस्तों इसमें क्या होता है ये आता है हमारे लंग्स तक, क्या आता है दोस्तों लंग्स यानी फेफड़े तक आता है, और फेफड़े तक आने के बाद इसका संपर्क किससे होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के साथ होता है, किसके साथ होता है HB यानी हीमोग्लोबिन के साथ होता है दोस्तों, और यही हीमोग्लोबिन ग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिल जाता है तो ये क्या बनाता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है यानी HbO2 बनाता है, HbO2 बनाता है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्लियर है यही बनाता है ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है कब, जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिल जाता है तब, क्लियर है दोस्तों। आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों ये ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है लंग्स के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा ये हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए ये हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में रक्त होता है यानी जो खून होता है
इसमें उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीजन को लेके जाता है कहाँ, शरीर की अन्य कोशिकाओं तक। क्लियर है? तो शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कौन करता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन ही करता है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे शरीर के अन्य अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है हीमोग्लोबिन करता है। क्लियर दोस्तों? अब समझ में आ गया है। तो श्वसन गैसों का शरीर में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है दोस्तों? ब्लड करता है। क्लियर है? और आगे है ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। क्लियर है? हीमोग्लोबिन हमने बताया कि यह एक प्रोटीन होता है। क्लियर है? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे रक्त में पाया जाता है। क्लियर है? इसके केंद्र में लौह परमाणु की उपस्थित होती है। ये परीक्षाओं में पूछता है कि हीमोग्लोबिन के केंद्र में किसकी उपस्थित पाई जाती है? तो लौह केंद्र की उपस्थित पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है, ये भी जानते रहे। क्लियर है? अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी? आंतरिक श्वसन की बात करेंगे। तो हमने बाह्य श्वसन के बारे में जाना, गैसों का शरीर में परिवहन के बारे में जाना, अब हम जानेंगे किसके बारे में? आंतरिक श्वसन के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हेडिंग डालते हैं हम आंतरिक श्वसन। क्लियर है? आंतरिक श्वसन। आइए आंतरिक श्वसन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आंतरिक श्वसन क्या है आइए पहले जानते हैं, तब इसके बाद पॉइंट बताते हैं। तो आंतरिक श्वसन में ध्यान दीजिएगा, श्वसन गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका। इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो आंतरिक श्वसन को दोस्तों क्या बोलते हैं हम? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये पॉइंट जानते रहे, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो दो प्रकार है जल्दी से आप बताएंगे? वो होता है अनाक्षी श्वसन, और दूसरा क्या होता है जल्दी सोचिए, दूसरा क्या होता है बताओ जल्दी? दूसरा होता है आक्षी श्वसन। क्या? पहला है अनाक्षी श्वसन, दूसरा है क्या? आक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन। क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो क्या हमने बोला? कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है। तो कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक होता है आक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन। क्या दोस्तों? अनाक्षी, यहाँ गलत लिख दिए, थोड़ा बोलने भी लगता है गलत बोल दिए। अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन ये है। पहला क्या होता है दोस्तों? अनाक्षी श्वसन। दूसरा क्या होता है? आक्षी श्वसन होता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप बिल्कुल भी दिमाग पर सेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब हम इसी के बारे में हम जानते हैं। तो इसको जान लीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे अब क्या, सेल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो इसको मिटाते हैं, और सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है और सेल्स में क्या क्या होते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले ये छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं दोस्तों, समझिएगा। ये मान लीजिए सेल्स है। क्या है दोस्तों? सेल। सेल मतलब होता है हिंदी में कोशिका होता है। कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का, यानी कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। क्लियर है? तो एक ये कोशिका दिख रहा है, कोशिका में क्या क्या होता है आइए जानते हैं। कोशिका में दोस्तों माइट्रो क्या होता है? कॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया हम थोड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट, मान लीजिए ये ऐसे कुछ बना देते हैं, इसी फॉर्म में होता है। हालांकि अब इसे हम बोलते हैं क्या? माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? ये है कॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, ध्यान दें, माइट्रो
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है, सेल्स में होता है। और उसके बाद होता है लाइसोसोम। क्या होता है दोस्तों? लाइसोसोम। लाइसोसोम की आकृति मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्या है दोस्तों? लाइसो दिख रहा है, हाँ लाइसोसोम है, क्लियर है, लाइसोसोम है। उसके बाद हम बनाते हैं दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है? जैसे मान लीजिए ये, 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 क्लियर है, इसे हम बोलेंगे राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? राइबोसोम बोलेंगे। और उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, और क्या होता है दोस्तों? राइबोसोम होता है। और दोस्तों केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? एकदम बीच में होता है, जैसे ये है, ये क्या है दोस्तों? केंद्रक है। तो ये भी पॉइंट जानते रहिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, क्लियर है। केंद्रक के बाद क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव होता है। क्या? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव मतलब ये खाली स्थान दो व्हाइट वाला दिख रहा है आपको, इसी का हम बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव, यानी कोशिका का एक प्रकार से द्रव है। द्रव माने पानी होता है, क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये चीज होता है। तो सेल्स के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम, केंद्रक दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका द्रव। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ये एग्जांपल और ये जो हमने बताया है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो श्वसन की प्रक्रिया हर जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, क्लियर है। मनुष्य के सांस लेने की दर पूछता है कि मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ये पॉइंट जानते नहीं है, क्लियर है, इसको मिटाते हैं। मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, कितनी बार श्वास लेता है, ये बताना है आपको दोस्तों। पॉइंट समझिए, मनुष्य एक मिनट में दोस्तों 12 से 15 बार क्या करता है? सांस लेता है। कितना बार? 12 से 15 बार, क्लियर है, प्रति मिनट की दर से वो सांस लेता है, यानी एक मिनट में वो 15 से 12 बार सांस लेता है। अगर आपको ना लगता हो कि लगता है, इसमें कोई डाउट है, तो आप चलिए मोबाइल में आप खोलिए क्लॉक और चेक करिए कि क्या हम एक मिनट में 12 या 15 बार सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्लियर है। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है दोस्तों? इसको आप जानते ही हैं, हमने बताया था, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो क्या होता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ये पॉइंट क्या है दोस्तों? प्रश्न के मैंने बोला क्या? मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के द्वारा होता है, क्लियर है। तो इस पॉइंट को आप जानते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये हमारा प्यारा सा जो लेक्चर था, क्या हो रहा है, अब समाप्त हो गया है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, हमने एक एक करके समझ लिया है। और टिप से पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहते हो, तो आप पुस्तक उठाइए और उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए और आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को बताइए, स्तनधारियों में श्वसन होता है किसके माध्यम से? बताइए दोस्तों, किसके माध्यम से स्तनधारियों में श्वसन होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है, क्लियर। फेफड़े को फुफ्फुस भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। श्वसन की प्रक्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्लियर है। तो दोस्तों क्या है वो? नाइट्रोजन 78% शरीर में जाता है और 78% शरीर से बाहर भी आ जाता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितना परसेंट होता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्लियर है। हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा लगभग कितना परसेंट होता है, कितना प्रतिशत होता है? इस प्रश्न का आंसर कहाँ देना है आपको? कमेंट बॉक्स में देना है, क्लियर है।
यानी हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में सीओटी की मात्रा लगभग कितना होता है ये बताना है। क्लियर है? 4%, 8%, 12%, 16% बताना है। क्लियर है? अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों? ये है पाइरूविक अम्ल है। क्लियर है दोस्तों? आगे है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ से कहाँ, ये प्रश्न बताना है आपको। दूसरा, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर है क्या दोस्तों? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ? राइबोसोम में होता है कि लाइसोसोम में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि हरित लवक में होता है? तो प्रश्न का आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स। हमने आपको चार ऑप्शन दे दिया। क्लियर है कि ऑप्शन दिए चार, वो राइबोसोम, दूसरा लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या बताया, हरित लवकों में। क्लियर है क्या होता है? प्रश्न का आंसर बताइए कि चार ऑप्शन में से कौन से है। नेक्स्ट है, मनुष्य में ब्रीथिंग के दौरान कितने निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? दोस्तों 16% होता है, हमने बताया था, याद है ना। एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणु निर्माण होता है? ये होता है 38। इस पॉइंट को भी जानते रहे। क्लियर है? मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है ये बताइएगा। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? किस भाग के द्वारा होता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? चौथा क्वेश्चन भी आपको बताना है दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है ये बताना है। क्या शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से हमने एक एक करके हर एक पॉइंट को समझा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? पांचवा है, वयस्क मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बार सांस लेता है, इस प्रश्न का आंसर कहाँ बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, और चैप्टर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ही दोस्तों। आशा है कि आपको ये हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया है। और दोस्तों यदि वीडियो अब समझ में आई हो और लास्ट में क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दे देना। क्लियर है? इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं बायोलॉजी के एक नए चैप्टर के साथ, और अभी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।